मॉर्निंग स्टूडेंट, यस बेटा, हमारा चैप्टर 7 स्टार्ट था। आज हम टॉपिक करेंगे सेविंग अ फाइल। सेविंग अ फाइल इज़ वेरी इजी टू दिस गो टू फाइल सेव। सेव करना फाइल को बहुत इजी है। टूल्स पैनल, सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? टूल्स पैनल, सॉरी टॉपिक है टूल पैनल। दिस पैनल ऑफर्स यू वेरियस टूल्स दैट डिड यू इन एडिटिंग ऑफ अ इमेज। ये जो टूल पैनल है हमें ऑफर करता है अपनी इमेज को एडिट करने के लिए। लेट अस स्टार्ट लर्निंग ऑफ द डिफरेंट टूल्स अवेलेबल। अब डिफरेंट टूल्स रीड करेंगे जो यहाँ पर अवेलेबल होते हैं हमें। यस, नंबर फर्स्ट, कलर पिकर। कलर पिकर टूल इज़ यूज टू सेलेक्ट फोरग्राउंड एंड द बैकग्राउंड कलर। द अपर बॉक्स विल डिस्प्ले द बैकग्राउंड फोरग्राउंड कलर दैट इज़ करंटली सेलेक्टेड। जो अपर बेस होता है वो अपर बॉक्स होता है जो हमें फोरग्राउंड कलर को फिल करने के लिए यूज प्रोवाइड होता है। द लोअर बॉक्स विल डिस्प्ले द बैकग्राउंड कलर, और जो लोअर बॉक्स होता है वो बैकग्राउंड कलर को डिस्प्ले करता है। कलर विच इज़ करंटली सेलेक्टेड, द डिफ़ॉल्ट कलर टू विच द फोरग्राउंड एंड द बैकग्राउंड सेट आर ब्लैक एंड वाइट। अब देखिए, जो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड जो कलर होता है वो ब्लैक एंड वाइट सेट होता है, बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है। और अगर हमें उसे चेंज करना है तो हम कर सकते हैं। यस, नाउ वी विल लर्न इन अ स्टेप बाय स्टेप मैनर हाउ वी कैन चेंज दीज कलर। अब देखिए, हम इन कलर्स को कैसे चेंज कर सकते हैं ये हम स्टेप्स देखेंगे। स्टेप फर्स्ट, इन द टूल्स पैनल क्लिक ऑन द अपर और द लोअर बॉक्स। कलर पिकर डायलॉग बॉक्स विल नाउ अपेयर। स्टेप टू, नाउ सेलेक्ट अ कलर बाय क्लिकिंग इन द कलर स्लाइडर ऑफ क्लिकिंग इन द कलर फील्ड। अब यहाँ से हम कलर फील्ड से क्या करेंगे? कलर सेलेक्ट करेंगे। यस, स्टेप थर्ड, क्लिक ओके एंड कलर विल बी सेट। और जैसे ही हम ओके पर क्लिक कर देते हैं कलर सेट करके, तो वो क्या हो जाए, वो कलर को सेलेक्ट करके और ओके पे क्लिक करेंगे तो कलर सेट हो जाता है। डू यू नाउ यूजिंग द कलर पैनल दैट इज़ लोकेटेड एट द राइट साइड ऑफ द फोटोशॉप वर्क स्पेस, यू कैन चेंज द फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर। और हम इसमें क्या कर सकते हैं बेटा? फोरग्राउंड और बैकग्राउंड दोनों कलर चेंज कर सकते हैं। यस, डिफरेंट टूल्स इन टूल्स पैनल। अब और अदर टूल्स भी होते हैं टूल पैनल पर, वो देखेंगे। सेलेक्शन टूल्स, नाउ वी विल लर्न अबाउट सेलेक्शन टूल। सेलेक्शन टूल आर यूज टू सेलेक्ट अ पार्ट ऑफ इमेज और आ सबसेट ऑफ इट्स। सेलेक्शन टूल क्या हेल्प करता है हमारी किसी भी इमेज के पार्ट को सेलेक्ट करने के लिए। सेलेक्शन टूल्स हेल्प अस इन एडिटिंग एंड अप्लाइंग इफेक्ट ऑन द सेलेक्टेड पार्ट ऑफ द इमेज। हम पूरी पिक्चर को भी सेलेक्ट कर सकते हैं और किसी पिक्चर के पार्ट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्टेड पार्ट गेट हाईलाइटेड यूजिंग अ डैशड बॉर्डर विल वाइल द अंडर सेलेक्टेड एरिया इज लेफ्ट अनटच्ड। अब देखिए, जो भी पार्ट हम सेलेक्ट कर रहे हैं पिक्चर का, वो क्या करता है, उसको डैश में कोई रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है या फिर कोई फ्री फ्रॉम सेलेक्ट जो भी हमने सेलेक्ट करा है उससे वो क्या कर देगा, उसे हाईलाइट कर देगा। लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस टूल, व्हाट दे डू एंड हाउ टू यूज देम। अब इस टूल्स और अदर टूल्स हैं जिनका हम कैसे यूज कर सकते हैं। मार्की टूल, विद दिस टूल वी कैन सेलेक्ट द डिफरेंट पोर्शंस ऑफ एन इमेज इन अ स्पेसिफिक शेप। ये टूल क्या करता है बेटा, स्पेसिफिक शेप्स में जो भी हम शेप लेना चाहते हैं सेलेक्ट करने के लिए वो प्रोवाइड करवाता है। देयर आर डिफरेंट टूल्स दैट द मार्क्यू टूल्स इंक्लूड, दे आर। अब देखिए, सेलेक्ट करने के लिए भी डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, एलिप्टिकल मार्क्यू टूल एंड सिंगल रो मार्क्यू टूल एंड सिंगल कॉलम टूल। यस, रेक्टेंगल मार्क्यू टूल, दिस टूल इज़ यूज टू मेक सेलेक्शन इन अ रेक्टेंगुलर शेप। इसमें क्या होता है, जो भी पिक्चर है हम उसे जो सेलेक्ट करना चाहते हैं जो भी पार्ट, तो वो रेक्टेंगुलर बॉक्स में ही सेलेक्ट होगा। एलिप्टिकल मार्क्यू टूल्स, दिस मार्क्यू टूल्स इज यूज टू मेक सेलेक्शन इन अ एलिप्टिकल शेप, सर्कुलर शेप्स, कोई भी इलिप्स की जैसी शेप या फिर सर्कुलर शेप में हम इसे सेलेक्ट कर देंगे।
यस। नंबर थर्ड, सिंगल रो मार्क्यू टूल। दिस टूल इज़ यूज टू मेक सेलेक्शन इन अ रो विच इज अ 1 pixel वाइड रो। नंबर फोर, सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल। दिस टाइप ऑफ मार्क्यू टूल विल अलाउज यू टू मेक अ सेलेक्शन इन अ 1 pixel वाइड कॉलम। टू सेलेक्ट एन एरिया यूजिंग अ मार्क्यू टूल फॉलोइंग द गिवन स्टेप्स। अब देखिए कैसे सेलेक्ट करेंगे, स्टेप्स देखेंगे उसके लिए। द फर्स्ट स्टेप इज टू ओपन द इमेज। सबसे पहले हम इमेज को ओपन करेंगे। स्टेप टू, इन द सेकेंड स्टेप यू हैव टू नाउ सेलेक्ट अ मार्क्यू टूल दैट ही इज रिक्वायर्ड। जो भी मार्क्यू टूल हमें रिक्वायर्ड है उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। टू मेक द सेलेक्शन जस्ट ड्रैग द माउस ओवर द सरफेस एंड योर सेलेक्शन गेट सेलेक्टेड। और हम जो भी जिस भी पिक्चर पे जो पिक्चर हमने सेलेक्ट किया उसका जो भी पार्ट हम सेलेक्ट करना चाहते हैं वहाँ पर उसे क्लिक करेंगे और ड्रैग करते रहेंगे। देखिए इस तरीके से ये डैशड पार्ट में सेलेक्ट होता है। ये देखिए ये जो डैशड पार्ट है ये इसको सेलेक्ट करता है। ओके बेटा, आज हम इतना ही रीड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, लैसो टूल्स। थैंक यू।